फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इतना बड़ा सा एक नंबर है और इस नंबर को आपको 16 से डिवाइड करना है। ये सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए है, मेन क्वेश्चन तो 2, 3 और 4 है। सबसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अगर इस पूरे नंबर को 16 से डिवाइड करना होगा तो 16 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता करना है रिमाइंडर, और रिमाइंडर पता करने का पूरा मेथड यही है कि आप नंबर को पकड़ो और 16 से डिवाइड कर डालो। तो ये बड़ा लेंदी लग रहा कि अगर आपने शुरू से लेकर अंत तक सारे नंबर को 16 से डिवाइड किया तो करते रह जाएंगे। बेटर होगा कि आप 16 का डिविजिबिलिटी रूल कंफर्म हो जाए। तो डिविजिबिलिटी रूल कंफर्म होना हो तो आपको इनके बारे में पता करना होगा, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। किसी भी नंबर के सबसे लास्ट में यूनिट वाले प्लेस पे जो नंबर आता है वो लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या तो मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 2, तो वो 2 से 100% कट जाएगा। ठीक उसी तरह 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट 2 डिजिट 0-0 होने चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 4, यानी 4 से कट जाने चाहिए। जैसे अगर आपने एक एग्जांपल लिया 4-7-2-8-3-2, तो इनका जो लास्ट 2 डिजिट है वो 4 से कट जाता है, तो ये पूरा नंबर भी 4 से कट जाएगा। सिमिलरली 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट 3 डिजिट 000 हो या फिर मल्टीपल ऑफ 8 हो, तो वो नंबर 8 से 100% कट जाता है। और पता करने का एक और तरीका है, आप ये जानते हो कि 8 को लिख सकते हो 2 पे पावर 3, तो 2 पे पावर 3 लिखने के कारण आपको लास्ट 3 डिजिट देखना होता है। 4 को लिख सकते हो आप 2 टू दी पावर 2, तो लास्ट 2 डिजिट देखना होता है अगर आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता करना हो तो, या तो वो 00 हो या तो लास्ट 2 डिजिट 4 से कट जाए। सिमिलरली 16 का अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता करना है तो अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि लास्ट 4 डिजिट क्यों, क्योंकि 16 को 2 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं, तो लास्ट 4 डिजिट 16 से कट जाना चाहिए या फिर लास्ट 4 डिजिट 16 के मल्टीपल में आना चाहिए। जैसे मैंने एक नंबर लिखा है 4-5-7-2-8-3-2-6-4, तो ये जो लास्ट 4 डिजिट है ना, ये नंबर आपको दिख रहा है कि वो 16 से 100% कट जाता होगा। तो अगर ये 4 डिजिट, लास्ट का 4 डिजिट 16 से कट जा रहा है, तो आप ये श्योर रहो कि ये पूरा नंबर को भी अगर आप 16 से डिवाइड करोगे तो वो भी 16 से 100% कट जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 आएंगे। और अगर यहाँ 64 के जगह 65 होता तो ये नंबर लास्ट 4 डिजिट जो है वो नंबर 16 से नहीं कट रहा होगा, वो एक रिमाइंडर देगा। इसका मतलब है ये पूरा जो नंबर है ना, ये पूरा नंबर भी रिमाइंडर कितना देगा, 1। यानी इस पूरे नंबर को भी अगर आपने 16 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आना है, 1, क्योंकि इस लास्ट के 4 डिजिट को अगर आपने 16 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आना है, 1। तो ये है ओवरऑल कॉन्सेप्ट। और सबसे लास्ट में मैंने एक नंबर लिखा है 32, जिसका डिविजिबिलिटी रूल अब आपको कंफर्म हो गया होगा कि हाँ 32 का डिविजिबिलिटी रूल लिखना हो 32 का, तो चूंकि 32 को आप 2 टू दी पावर 5 लिख सकते हैं, तो 32 का डिविजिबिलिटी रूल लास्ट 5 डिजिट से रिलेटेड होता है, ठीक है। और वो लास्ट 5 डिजिट या तो 5-0 हो, सबके सब 0 हो, या फिर मल्टीपल ऑफ 32 हो। इसका मतलब आपको पूरे बड़े से नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट 5 डिजिट को पकड़ के 32 से डिवाइड कर लिया तो ये तो छोटा सा डिवीजन है, ये डिवीजन आप परफॉर्म कर सकते हैं। यानी अगर किसी नंबर को 16 से डिवाइड करना है तो उस पूरे बड़े से नंबर पे आपका कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान, आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या निकालने में लगना चाहिए, लास्ट का 4 डिजिट। तो पूरे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के यही है कि अगर आपने इस नंबर को 16 से डिवाइड करना है तो आपको किसी तरह कोई भी कॉन्सेप्ट लगाकर लास्ट का 4 डिजिट पता करना होगा। ठीक उसी तरह अगर इस बड़े से नंबर को 32 से डिवाइड करके अगर आपको रिमाइंडर पूछा जा रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लास्ट जो 4-5 डिजिट है वो 5 डिजिट पता करने हैं। तो पूरे क्वेश्चन में काम क्या करना है ये आपको कंफर्म हो चुका है, पता कैसे करना है वो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो इस सारे तरह के क्वेश्चन में रिमाइंडर्स निकालना बहुत छोटा सा बात है, आपको एक्चुअली में ये समझना है कि ये जो मैंने इतना बड़ा सा पैटर्न लिखा है और यहाँ पे बोल दिया कि 39 डिजिट्स तक जा रहा है, इसका क्या मतलब है और इस मतलब से आप लास्ट के 4 डिजिट कैसे एकदम करेक्टली लिख पाएंगे कि हाँ यही 4 डिजिट लास्ट में होता होगा, ये चीज सीखने के लिए आपको ये क्वेश्चन दिया गया, कन्फर्म है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन तो कंफर्म हो गया होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, 16 से डिवाइड करके इस बड़े से नंबर का रिमाइंडर पता करना है, तो आप पूरे नंबर पर ध्यान ही मत दो, 16 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट 4 डिजिट।
मतलब लास्ट फोर डिजिट आपने पकड़ लिया, वो आपको दिख रहा है कौन कौन सा है, 1, 1, 1 और 2, और इसको आपने 16 से डिवाइड कर डाला और यही आपका रिमाइंडर बता देगा। पूरे नंबर्स का रिमाइंडर, पूरे नंबर को अगर आपने 16 से डिवाइड किया वो इक्विवेलेंट है इस नंबर को आपने 16 से डिवाइड किया उसके। तो 1112 को 16 से डिवाइड किया तो 16, 6 टाइम्स में 96, और यहां से आपने सबट्रैक्ट किया तो 15 और ये 2, तो 16 9 टाइम्स में 144, आपका रिमाइंडर बच चुका है 8। तो रिमाइंडर का वैल्यू कितना है 8, 8 इज योर आंसर। तो आंसर तो 8 आ चुका है, बट फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अभी कुछ और बातें हैं जो आपको समझनी है, इसी को बेस मानकर हम बाकी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। उस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 7 और 12 तक लिखा हुआ है। तो ये नंबर को लिखने के बाद हम लोग इस नंबर के डिजिट्स को काउंट करने वाले हैं। तो डिजिट काउंट करने का मतलब होता है, डिजिट्स आपके दुनिया में सिर्फ यही होते हैं, कुल मिलाकर 10 डिजिट होते हैं, 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट और उसके अलावा 0। जितने भी न्यूमेरल्स हैं वो सारे के सारे इसी डिजिट से बनते हैं, ये तो आप जानते हो। तो अगर मैंने इस क्वेश्चन पे कितने डिजिट यूज किए गए हैं अगर ये पूछा जाए, तो यहाँ से लेकर 1 से लेकर 9 तक तो 9 डिजिट हैं। इस 9 डिजिट के बाद जो भी आप नंबर लिख रहे हो, मैं जब भी नंबर बोलूंगा तो आप समझना वो नंबर 2, 3, 4, 5 इतने डिजिट का हो सकता है, लेकिन डिजिट बोलने का मतलब वो सिर्फ सिंगल डिजिट का होगा। तो 9 के बाद जो भी आप नंबर लिखे हो, 10 लिखा है आपने उस 10 में 2 डिजिट है, 11 लिखा है आपने उस 11 में भी 2 डिजिट है, और यहाँ भी 2 डिजिट है, मतलब 9 के बाद सारे 2-2 डिजिट के नंबर आएंगे। कब तक, जब तक 99 नहीं आ जाएगा तब तक। 99 के बाद कौन सा नंबर लिखा जाता है, 100, मतलब 3 डिजिट वाला नंबर। तो 100 के बाद कब तक ऐसा 3 डिजिट का नंबर लिखा जाएगा, आपने 100 लिखा है डॉट डॉट डॉट, ऐसा कब तक चलेगा, 999 तक आपके 3 डिजिट के नंबर रिपीट होते होंगे, और इसके आगे जब क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। बट अभी हमें सीखना है कि अगर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डिजिट आपसे पूछा जाता कि कितने नंबर ऑफ डिजिट यूज किए हैं, तो 9 डिजिट तो यहाँ हो गए, उसके बाद ये वाला हो गया 10वां डिजिट, ये 11, 12, 13, 14 और 15, कुल मिलाकर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 डिजिट का यूज किया है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी लिखा जा सकता था, तो सेम क्वेश्चन को आपने दूसरे रूप में बस लिखा है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 9 के बाद कौन सा नंबर दिख रहा है, 10, तो 10 में तो 2 डिजिट हो गए ना, तो 9 के बाद आपने 2 और डिजिट मतलब 11 डिजिट, उसके बाद जो 11 लिखा है उसमें भी 2 डिजिट है, तो इसका मतलब 11 के बाद 2 और डिजिट, 11+2 मतलब 13 डिजिट, उसके बाद 14 और 15, तो कुल मिलाकर 15 डिजिट तक लिखे गए नंबर हैं, उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है 1, 2, 3, 4, ……15। तो क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल सेम दिख रहा है, 16 से डिवाइड करके आंसर भी बिल्कुल सेम आने वाला है। समझना क्या है इसमें वो देख लो, अगर ये क्वेश्चन का फॉर्मेट होता तो आप इस क्वेश्चन से यहाँ पर कैसे पहुंचते, ये कैसे पता करते कि 15वां डिजिट जो है वो 2 नाम का डिजिट होगा। तो फाइनली ये जो 15वां डिजिट है ये कौन सा डिजिट है, वो तो आपको कंफर्म है 15वां डिजिट 2 है। 2 के पहले भी कौन से नंबर है वो भी आपको दिख रहा है, ये 12 है, उसके पहले 11 है, ये सारे आपको पैटर्न यहाँ पर दिख पा रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर 15 नहीं होता, 15 से कोई बड़ा नंबर होता जैसे 51, 91, तो उस 91 डिजिट को लिखने के लिए सबसे लास्ट में कौन सा नंबर लिखना पड़ता है ये पता करने का कोई तरीका निकालना पड़ेगा, क्योंकि 15वां डिजिट तो लिखना बड़ा आसान है लेकिन 91 डिजिट तक लिखना मुश्किल है। आप कब तक 1, 2, 3, 4 लिखते जाओगे और फिर डिजिट को काउंट करते जाओगे। तो ये प्रोसेस पता करने का तरीका एक्चुअली में ये है कि अगर लास्ट में और डिजिट हैं तो तरीका अलग होता है, अगर लास्ट में इवन डिजिट तक जाना है तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट, बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों में सेम है। तो यहाँ पर मैंने जितने क्वेश्चन लिए हैं सब में आप देख सकते हो, सभी में मैंने और डिजिट इंक्लूड किया है, एक भी इवन डिजिट नहीं है। इसके बाद हमें इवन डिजिट भी पढ़ना है। तो अब आते हैं यहाँ से यहाँ पहुंचने का डायरेक्ट मेथड, मतलब कि आप कैसे डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक पहुंच पाओगे, वो ये है। अगर आपको 15 डिजिट तक लिखना है तो आपका कॉन्सेप्ट बस ये होना चाहिए कि चीजें स्टार्ट कहाँ से हुई है, 1 से, तो 1 से लेकर 9 तक की जितने भी चीजें हैं वो तो सिंगल डिजिट की होती होंगी। तो 15 डिजिट आपको लिखने हैं, 9 डिजिट तो 9 तक ही लिखा गया, तो इस 15 में से आपको सबसे पहले उस 9 डिजिट को माइनस कर देना है, क्योंकि आपने 9 डिजिट तो 1 से लेकर 9 तक लिखने के क्रम में लिख दिया था, तो बच कितना गया है 6। हमेशा ऑड में से आप 9 माइनस करोगे तो इवन ही बचेगा। 6 डिजिट आपको और लिखने हैं, 9 के बाद 6 डिजिट और लिखने हैं, और सारे नंबर्स जो हैं वो 2-2 डिजिट का होगा,
मतलब सारे नंबर दो दो डिजिट के होंगे तो 6 को क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो। जैसे ही आपने 6 को 2 से डिवाइड किया मतलब 3 नंबर आपको और लिखने हैं। रिपीट कर रहा हूँ, 15 डिजिट आपको लिखने थे और आपने शुरू के जो 9 डिजिट लिख डाले, यानी ये सिंगल डिजिट थे, तो 15 डिजिट में से 9 डिजिट तो आपने लिख ही डाले। तो सबसे पहला काम है लास्ट में जितने भी डिजिट लिखने के लिए बोला जा रहा है आप उसमें से सबसे पहले 9 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 15 में से 9 डिजिट यूज किए जा चुके हैं तो हमने क्या किया, 15 में से 9 को माइनस कर दिया। तो पहला स्टेप यही होना चाहिए, जो भी लास्ट में होगा उसमें से आप शुरू के 9 को माइनस कर दो। 9 को माइनस करने के बाद 6 बचा है, और हमेशा याद रखना अगर लास्ट में ऑड डिजिट होगा तो ऑड में से अगर आपने 9 माइनस किया तो हमेशा इवन ही बचेगा। इसका मतलब साफ है कि 9 के बाद जितने भी नंबर लिखाने वाले हैं वो सारे पेयर में बन जाएंगे, मतलब दो दो डिजिट के कंप्लीट नंबर बनने वाले हैं। वो आपको दिख भी रहा था, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ठीक है, मतलब दो डिजिट का कंप्लीट नंबर 10, दो डिजिट का कंप्लीट नंबर 11 और दो डिजिट का कंप्लीट नंबर 12। कोई ऐसा नहीं ना है कि 13 का सिर्फ 1 लिखा गया है, ऐसा तो है नहीं। तो वापस 6 पर आते हैं, 6 डिजिट आपको और लिखने हैं, और याद करो 9 के बाद सारे नंबर्स जो होते हैं वो दो दो डिजिट वाले होते हैं, तो 6 डिजिट और लिखना है, सारे नंबर दो दो डिजिट वाले होते हैं। तो मैंने 6 से 2 को डिवाइड करके पता कर लिया कि 3 नंबर और लिखना है। ये जो 3 नंबर और लिखना है, ये 3 नंबर सबके सब दो दो डिजिट के हैं, और ये 3 नंबर और किसके बाद लिखना है, 9 के बाद ही लिखना है ना। तो आपका लास्ट स्टेप क्या होगा, 9 में 3 ऐड कर देना। तो 9 में 3 ऐड किया तो आपका आंसर कितना आया है, 12। मतलब साफ है कि 1 से आपको काउंटिंग स्टार्ट करने हैं और 12 तक एंड करना है। मतलब साफ हो गया है कि 1 से काउंटिंग स्टार्ट करना है और 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अप टू 15 डिजिट लिखने के लिए आपको लिखना कहां तक पड़ेगा, 12 तक लिखना पड़ेगा। 12 तक लिखना पड़ेगा मतलब आप यहाँ भी देख पा रहे हो कि 1 से लेकर 12 तक लिखा गया था तभी ना 15वां डिजिट पूरा हुआ था। तो ये है कॉन्सेप्ट, और इसी कॉन्सेप्ट पे अब बनाने वाले हम लोग सेकंड नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, मैंने इसे मिटाया नहीं है क्योंकि आप इसका अभी भी हेल्प ले सकते हैं समझने में। अगर आपको किसी भी स्टेप में समझने में प्रॉब्लम है आप पैरेलल कंपैरिजन कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर जो मैंने काम किया है और यहाँ पर जो मैंने काम किया है मैं दोनों के साथ कंपेयर करके आपको फिर वो क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो सेकेंड का आंसर पता करना है, तो फिर से वही बात, 16 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता करना तो बाद की बात है। पहला काम क्या है, वो 39 डिजिट कौन सा फोटो दिखता होगा आपको लास्ट में, लास्ट डिजिट जो है वो क्या दिखता होगा। तो वो पता करने का तरीका ये है कि जैसे ही आप 1 से लेकर 39 तक लिखने जा रहे थे, आप याद करो कि 39 डिजिट आपको लिखने हैं, लेकिन 1 से लेकर 9 तक लिखने के क्रम में आपने 9 डिजिट यूज कर डाले। तो 39 डिजिट लिखना है, आपने 9 डिजिट लिख लिए हैं ऑलरेडी 9 तक लिखते लिखते, ठीक है। तो 39 में से सबसे पहला काम 9 माइनस कर देना है और 30, यहां भी मैंने वही काम किया था, ठीक है, और आपको बोला भी था कि ऑड में से ऑड माइनस करेंगे तो इवन नंबर ऑफ डिजिट्स ही आएंगे, यहां भी इवन नंबर ऑफ डिजिट्स आए हैं। मतलब 9 तक लिखने के बाद आपको 30 डिजिट्स और लिखने हैं, तो 30 डिजिट और लिखने हैं और सारे नंबर दो दो डिजिट के होंगे तो मतलब 15 नंबर और लिखना होगा ना। फिर से 30 डिजिट और लिखना है और सारे नंबर दो दो डिजिट के होंगे तो 30 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 15 नंबर आपको और लिखना है। वही चीज यहाँ पे किया हुआ था, 6 डिजिट और लिखने थे और सारे जो नंबर है वो दो दो डिजिट के होने वाले थे, तो 6 डिजिट पूरा करने के लिए 9 के बाद 6 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 3 नंबर और लिखना पड़ता, 9 के बाद 3 नंबर और लिखना पड़ता, तो मैंने 9 में 3 जोड़ दिया। ठीक वैसे ही चूंकि यहाँ पर 30 बचा है तो आप क्या करो, 30 डिजिट आपको और लिखने हैं और ये तो इवन है ही, तो 30 को आपने 2 से डिवाइड किया मतलब 15 नंबर आपको और लिखने हैं। ये जो मैं और बोल रहा हूँ, ये और मतलब किसके बाद, 9 के बाद, 9 तक तो आपने लिख लिया था सिंगल डिजिट वाला, उसके बाद 15 और नंबर लिखे जाएंगे जो डबल डिजिट के होंगे। तो 9 प्लस 15 ये आपका आ चुका है 24, मतलब 24 तक लिखा जाएगा वो वाला नंबर, ठीक है। तो 24 तक लिखोगे तो अप टू 39 डिजिट लिखने का मतलब एक्चुअली में क्या हो गया, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, सबसे लास्ट वाला तो आपको 24 दिखेगा। तो क्या इसके पहले वाले नंबर्स के बारे में आप नहीं कंफर्म है कि वो 23 ही होता होगा, उसके पहले वाले और भी बहुत सारे नंबर पता कर सकते हैं, उसके बाद वाले नंबर की जरूरत पड़े तो भी पता कर सकते हैं। तो अभी तो लास्ट 4 डिजिट से ही मतलब था, तो लास्ट 4 डिजिट आपके सामने है 2, 3, 2, 4, और जब लास्ट 4 डिजिट पता चल गया है तो आपसे पूछ
पूछा क्या गया था, रिमाइंडर्स, मतलब 16 से डिवाइड करके आपको रिमाइंडर्स निकालने थे। तो चूंकि लास्ट 4 डिजिट है और 16 का डिविजिबिलिटी रूल होता ही है लास्ट 4 डिजिट, तो लास्ट 4 डिजिट को आप परफॉर्म कर दो डिविजन, 2324 को 16 से डिवाइड करना है। और ये काम बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, 16 वन टाइम्स में आपने 16 में डिविजन लगाया, यहाँ पर कितने बच गए हैं, 7 2 16, 4 टाइम्स में 64, 8 4 16, 5 टाइम्स में 80, यानी रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, R इज इक्वल टू 4, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग थोड़ा सा फास्ट मोड पे बनाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट अब पता चल चुका है। चूंकि 1 2 3 4 डॉट 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 69 डिजिट तक लिखने हैं, पहला काम 9 तो आप माइनस कर दो, क्योंकि शुरू का 9 डिजिट 9 तक आपने यूज कर लिया, तो 69 में से आपने 9 माइनस किया, ऑड में से ऑड माइनस किया, तो ऑब्वियसली इवन आएगा, जो इवन कितना आया है 60, मतलब 69 डिजिट लिखने थे, 9 डिजिट आपने ऑलरेडी यूज कर डाले 1 से लेकर 9 तक लिखने के क्रम में, तो 60 डिजिट ऑड लिखना है, 60 डिजिट और लिखना है। और ये 60 डिजिट जो है वो दो दो डिजिट के नंबर होंगे, ये क्लियरली आप सोच पा रहे हो, कैसे 60 को 2 से डिवाइड करके आपने जजमेंट किया है, मतलब 9 के बाद आप 10 से 99 तक टोटल 90 नंबर्स तो दो दो डिजिट के लिख ही सकते हो, तो 92 जा 180, तो जब भी यहाँ 180 डिजिट तक नंबर आएंगे, मतलब आप दो दो डिजिट के सारे नंबर लिख सकते हो, जैसे ही 180 डिजिट क्रॉस करेगा, 181 डिजिट होगा, उसके बाद जो भी नंबर्स होंगे वो ट्रिपल डिजिट के नंबर काउंट होने वाले हैं, ये आप अंदाजा लगा सकते हो, कैसे 9 के बाद 10 और 10 के बाद जितने भी नंबर हैं वो 99 तक ही ना दो दो डिजिट के नंबर होंगे, तो 10 के बाद 99 तक टोटल कितने नंबर आपको दिख रहे हैं, आप पता कर सकते हो कि दो डिजिट के टोटल 90 नंबर होते हैं आपके पास, 90, इसका मतलब 99 तक लिखने के क्रम में आपको डिजिट कितने यूज करने पड़ेंगे, सारे नंबर दो दो डिजिट के, यानी 180 डिजिट तक। तो अगर कभी भी यहाँ 180 से कम आया है तो आप ट्रिपल डिजिट नंबर के बारे में सोचो ही मत, सारे नंबर दो दो डिजिट के ही होंगे, ये एक पैटर्न भी बन गया आपके लिए अभी के बाद से, कि यहाँ पर 180 से कम आएगा तो सारे के सारे दो दो डिजिट के ही होंगे, 180 से अगर ज्यादा आता होगा तो आपको सोचने वाली बात है, ठीक है, वहां 180 पर हम लोग ब्रेक करना शुरू करेंगे। तो ये है एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन में और भी लेवल बढ़ाना हो तो वो काम किया जा सकता है, बट अभी तो चूंकि यहाँ पर 60 है तो आप ये कंफर्म रहो कि सारे नंबर दो दो डिजिट के तो कंफर्म होंगे, तो आपने 60 को 2 से डिवाइड कर दिया और ये आंसर कितना आया, 30। 60 डिजिट लिखने थे और सारे नंबर दो दो डिजिट के होंगे, मतलब 30 नंबर्स आपको और लिखने हैं, और लिखने हैं मतलब किसके बाद, 9 के बाद, तो 9 के बाद आपको 30 नंबर्स और लिखने हैं, तो आपने क्या किया, 30 में 9 ऐड कर दिया, मतलब आपको 39 तक लिखना पड़े, तो इसके जो लास्ट वाले नंबर्स होंगे वो एक्चुअली में ऐसे दिखेंगे, डॉट 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 39, और चूंकि यहाँ पर 39 है तो इसके पहले कौन सा नंबर होता होगा, 38, और 8 का डिविजिबिलिटी रूल आपके सामने है, क्यों, लास्ट का 3 डिजिट, 3 डिजिट आपको कंफर्म करना है, तो लास्ट का 3 डिजिट तो आप 100% कंफर्म है, वो कौन सा नंबर आपको दिख रहा है, 839, और अब इसे आप 8 से डिवाइड कर लीजिए, 8 वन टाइम्स में 8, यहाँ पर कैंसल, 3 तो डिविजन लगेगा नहीं, तो आपने 0 देकर 9 उतारना है, और 8 4 जा 32, आपके आंसर कितने आ चुके हैं, 7, तो 7 इज योर आंसर, कंफर्म है। क्वेश्चन नंबर फोर में आपको 81 डिजिट तक लिखने हैं, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 वाले पैटर्न यूज करके कंटिन्यूअसली काउंटिंग करने हैं, और टोटल डिजिट कितने होने चाहिए, 81 से डिजिट एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो 1 से लेकर 9 तक तो आप लिखेंगे सिंगल डिजिट वाला नंबर, तो 81 में से सिंगल डिजिट के 9 काउंटिंग तो माइनस कर दीजिए, तो सबसे पहले 81 में से आपने 9 काउंटिंग को माइनस किया, तो 72 आपके हाथ में 72 डिजिट लिखने को बचे हैं, 9 के बाद 72 डिजिट्स और लिखने हैं, लेकिन आप मजबूर हैं, 9 के बाद आपको सारे नंबर दो दो डिजिट के आते हैं काउंटिंग में, आपके दिमाग में यही सिखाया गया है, तो 72 डिजिट लिखना है और सारे नंबर दो दो डिजिट का होगा, तो 72 को आपने 2 से डिवाइड किया, मतलब 36 नंबर्स और लिखने हैं, ये और वर्ड का मतलब है ना, 9 के बाद और 36 नंबर लिखने हैं, तो क्या करो, 36 में आपने 9 ऐड कर दिया, 36 में आपने 9 ऐड कर दिया, तो 36 में 9 ऐड किया तो ये नंबर कितना बन चुका है, 45, मतलब 45 तक आपको जाना पड़ेगा, 81 डिजिट अपने आप लिखा जाएगा, तो यहाँ पर इसको मिटाकर आपने डॉट 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 45 कर दिया है, और चूंकि 45 कर दिया है तो 45 के पहले वाले नंबर तो लिखने में आप समर्थ हो, 44, और इसके पहले कौन सा नंबर, 43, और अब आते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 32। 32 का डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है, लास्ट 5 डिजिट, तो लास्ट 5 डिजिट आपको कौन से नंबर दिख रहे हैं,
3445। तो फाइनली लास्ट 5 डिजिट आपको मिल चुका है और उस 5 डिजिट को पकड़ के आप 32 से डिवाइड कर डालिए। तो 34445 इसे आपने पकड़ा और 32 से डिवाइड किया तो आपने 1 टाइम्स में 32 यहाँ पर 240 देकर आपने अगला डिजिट उतारा है 4 और 32 से 7 टाइम्स में 224 यहाँ पर डिवीजन 0 और 220 और यहाँ पर जब 5 आया तो 5 32 से आपको दिख रहा है 6 टाइम्स में 192 और यहाँ से रिमाइंडर आपको दिख रहा है 8 और 5 13 मतलब 13 आपके आंसर हैं इस क्वेश्चन के। लास्ट 2 क्वेश्चन दिया गया है सिर्फ इवन डिजिट समझाने के लिए कि लास्ट में अगर इवन डिजिट होंगे यहाँ पर कि इवन डिजिट तक लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक स्टेप आगे बढ़ के काम करना है, करना वही काम है जो इसके पहले किया था, ठीक है। तो एक एग्जांपल आप देख लो कि यहाँ 1 से लेके अगर आपको 12 तक जाना था तो ये आपने दिखा था ना कि कुल मिलाकर 15 डिजिट आपको दिख रहे हैं। 15 डिजिट कैसे, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14 और 15, 15 डिजिट। क्या 16 डिजिट लिखना पड़ेगा तो आप कंप्लीट 2 डिजिट का नंबर लिख पाओगे क्या? बिल्कुल नहीं, आपको तो सिर्फ एक ही डिजिट लिखना पड़ेगा। लेकिन आप जानते हो 12 के बाद आता कौन सा नंबर है, 13, तो उस 13 का सिर्फ शुरू वाला 1 लिख देना। 13 का सिर्फ आपने शुरू वाला 1 लिख डाला तो ये कुल मिलाकर कितने डिजिट हो गए, 15 से 16 डिजिट हो गए। तो अगर 16 डिजिट के नंबर्स लिखने हो, मतलब इवन वाले लिखने हो, तो आपको दिमाग में बस ये सोचना होगा उससे एक कम कर दिया जाए। इसका मतलब क्या है क्वेश्चन में देख लो, फिर से क्वेश्चन नंबर 2 में वही कॉन्सेप्ट, A1234 डॉट 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 कहां तक जाने हैं आपको, 82 डिजिट्स लिखने हैं, ठीक है। तो शुरू में आप इतना तो कंफर्म हो कि 9 तक तो सिंगल डिजिट के नंबर आप लिखोगे ही लिखोगे, क्यों, क्योंकि आपको कंटिन्यूअस काउंटिंग करनी है। तो 82 डिजिट में से 9 डिजिट आपने 9 तक काउंट करने के क्रम में लिख डाले। तो क्या करना है आपको, 82 डिजिट में से इस 9 डिजिट को आप सबसे पहले माइनस कर लो। तो जब आपने इसको माइनस किया तो ये नंबर आपको दिख रहा होगा 73 डिजिट, मतलब आपको 73 डिजिट्स और लिखने हैं, ठीक है। लेकिन ये 73 डिजिट्स सारे के सारे क्या होंगे, दो दो डिजिट के नंबर होंगे, ठीक है, एक्सेप्ट लास्ट वन। सिर्फ लास्ट वाले डिजिट को छोड़कर बाकी जितने नंबर होंगे ना वो सारे के सारे दो दो डिजिट के होते होंगे। तो आप यहाँ पर ध्यान दो कि 73 डिजिट्स आपको और लिखने हैं, 9 के बाद 73 डिजिट आपको और लिखने हैं और सारे नंबर लिखे जाने वाले हैं दो दो डिजिट के। तो सबसे लास्ट वाला जो नंबर है उसे आप सबसे पहले इसमें से अलग कर दो। तो आपने इसमें से सबसे लास्ट वाला जो सिंगल डिजिट बनने वाला है उसे आपने अलग किया तो वो आपको दिख रहा होगा प्लस 1 डिजिट। अब वो कौन सा होगा ये अभी मुझे भी नहीं पता, इनके पहले इतना तो आप कंफर्म है कि 72 डिजिट और 1 डिजिट, ऐसा मैंने इसको बस स्प्लिट किया है। 73 डिजिट और लिखने थे, मैंने इसको लिखा है 72 डिजिट और लिख डालूंगा मैं दो दो डिजिट के पेयर में और उसके बाद 1 डिजिट लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो 72 डिजिट आपको 9 के बाद 72 डिजिट लिखने होंगे वो सारे दो दो डिजिट के नंबर होंगे। तो आप क्या करो, इस 72 को आपने 2 से डिवाइड कर डाला, 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 36। तो ये 36 72 डिजिट लिखना था और सारे डिजिट दो दो नंबर के थे तो आपको 36 नंबर्स और लिखने होंगे, और का मतलब 9 के बाद 36 नंबर और लिखने होंगे। तो कहां तक लिखना होगा ये पता करने के लिए आप क्या करोगे, इसमें 9 ऐड कर दो, कंफर्म है 9 के बाद ही आपको 36 और लिखना था ना, तभी ना 72 डिजिट लिखे जाएंगे। तो 36 में आपने 9 ऐड कर दिया, मतलब 10 से काउंटिंग आपको करनी थी। तो ये 45 मतलब 45 नंबर्स तक आपको लिखने हैं, ठीक है। लेकिन 45 नंबर तक आपने लिखा तो आप 72 ही डिजिट लिख पाए ना, 73rd डिजिट थोड़ी लिखा आपने। तो 45 के बाद आता कौन सा नंबर है, 46। तो इस 46 के 6 को काउंट मत कीजिए, सिर्फ 45 के बाद वाले 4 को काउंट कर लीजिए, क्योंकि 45 तक लिखने के क्रम में आपने 81 डिजिट लिख डाले थे। तो अप टू 82 डिजिट लिखने के लिए 45 और उसके बाद 46 का सिर्फ 4, ठीक है। और अब अगर आपको 16 से डिवाइड करना है तो लास्ट 4 डिजिट पता होना चाहिए था, तो 45 के पहले आता होगा 44। तो लास्ट 4 डिजिट अब आपको दिख भी रहा है 4454, और चूंकि आपको रिमाइंडर पता करना है तो लास्ट वाला जो नंबर है 4 डिजिट, इस 4454 को आप 16 से डिवाइड कर लो। तो 16 2 टाइम्स में कितना आ चुका है 32, यहां से रिमाइंडर बच चुके हैं 12 और ये नंबर आ चुका है 5। तो 125 के लिए 16 का टेबल आपने पढ़ा, तो 16 7 टाइम्स में 112, ये नंबर बन चुका है 13 और ये वाला 4 यहां पर आ जाएगा। तो 134 के लिए आपने 16 8 टाइम्स में 128 पढ़ा, तो ये नंबर आपको कितना दिख रहा है 6। तो 6 इज योर रिमाइंडर, दिस इज योर answer।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और इस बार आपको कहां तक लिखना है, अप टू 76 डिजिट, 76 तक नहीं लिखना है, 76 डिजिट्स लिखना है, वहां तक लिखना है जहां तक 76 डिजिट यूज हो जाए। तो 1 से लेकर 9 तक तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, जो सबके सब कितने होते हैं, सिंगल डिजिट के नंबर होते हैं। तो 76 डिजिट में से उस 9 डिजिट को आपने माइनस कर दिया, 76 माइनस 9 इज इक्वल टू 67, तो 67 डिजिट अभी आपको और लिखने बच गए हैं 9 के बाद। जो भी नंबर लिखे जाने होंगे वो टोटल मिलाकर 67 डिजिट होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तो इस 67 डिजिट को हमने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, 1+1 मतलब जो आखिरी वाला डिजिट है, हमें उसके बारे में अभी कुछ नहीं पता है। लेकिन इसके जस्ट पहले जो 66 डिजिट होते होंगे इसके बारे में हमें पता है, क्यों? क्योंकि 9 के बाद जितने नंबर होते हैं वो दो दो डिजिट के होते हैं, और दो दो डिजिट के होते हैं तो इवन नंबर्स वाला टोटल नंबर ऑफ डिजिट कहां तक नंबर लिखना है ये हम लोग पता कर सकते हैं 2 से डिवाइड करके, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले करा था। तो यहां से हमने स्प्लिट क्यों किया है वो आपको कंफर्म हो रहा होगा, शुरू के 66 अलग कर लिया और लास्ट का 1 तो बाद में जज हो ही जाएगा अगर आप ये वाले नंबर्स के बारे में पता कर चुके हो। तो 9 के बाद 66 डिजिट और अगर लिखना है तो आप क्या करो, 66 को 2 से डिवाइड कर दो। 2 से आपने इसलिए डिवाइड किया क्योंकि 9 के बाद सारे के सारे दो दो डिजिट के नंबर होने वाले थे और 66 डिजिट आपको पूरा करना है, तो 2 से डिवाइड करके आपको पता चल गया कि 33 नंबर और लिखना है। ये जो मैं और बोल रहा हूँ इसका मतलब 9 के बाद 33 नंबर्स और लिखने हैं। तो आप पता कैसे करोगे कि कहां तक लिखना है, इसमें आपने 9 ऐड कर डाला, 9 के बाद 33 नंबर और लिखना है तो कहां तक लिखना है ये तो आपको यही ऑपरेशन बताएगा ना। तो 33 के बाद आपने 9 ऐड किया तो ये नंबर आपको दिख रहा है 42, मतलब 66 डिजिट कंप्लीट करने के लिए आपको 42 तक लिखना पड़ेगा, डॉट 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 42, और 42 के बाद वाला और पहले वाला निकालना बहुत आसान है। 42 के बाद नंबर आता कौन है, 43, लेकिन 43 में तो दो दो डिजिट है ना, तो आप 43 पूरा का पूरा मत लिखिए, सिर्फ 4 लिखकर छोड़ दीजिए। ये जो 42 का 2 है ये 42 का 2 बन चुका है 66 प्लस में 9, ठीक है, मतलब कि 75 डिजिट है और उसमें एक डिजिट और आपने लिख दिया है तो आपने 76 डिजिट पूरे कर डाले हैं। तो अब आपको इस बड़े से नंबर को 8 से डिवाइड करके अगर रिमाइंडर पता करना है तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता कितना है, लास्ट 3 डिजिट। तो लास्ट 3 डिजिट तो आपने कंफर्म कर लिया है 424, तो इस 424 को अगर आपने 8 से डिवाइड किया तो जो भी रिमाइंडर आएगा वही इस पूरे नंबर को 8 से डिवाइड करने के बाद आएगा, मतलब वो रिमाइंडर सेम होगा। तो इनको आपने डिवाइड किया तो 8 5 टाइम्स में 40, यहाँ पर 2 4 3 टाइम्स में 24, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो चुका है, मतलब रिमाइंडर का वैल्यू कितना 0, r इज इक्वल टू 0, दिस इज योर आंसर। और अगर इसी क्वेश्चन में 8 की जगह 16 होता, अगर इस क्वेश्चन में 8 की जगह 16 से डिवाइड करना होता तो आपको लास्ट के 4 डिजिट से मतलब होता, तो 42 तो आपने यहाँ लिखा था ना, 42 के पहले कौन सा नंबर आता होगा, 41, और 41 तो लास्ट का 4 डिजिट तो आपको यहां से लेकर यहां तक दिख रहा है ना, तो ये जो लास्ट का 4 डिजिट है 1424, आपने क्या करना है इस बार 1424 को 16 से डिवाइड करना है, और जब आप ये डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो यहां भी आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 28,383rd टर्म ऑफ द सीरीज 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, ऐसे करके आपको ये काउंटिंग कंप्लीट करते हुए तब तक लिखना है जब तक आप 28,383rd टर्म ना लिख लें, मतलब इस क्वेश्चन का ये वाला टर्म कौन सा होगा, 28,383rd वाला टर्म्स कौन सा होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में आपने ये देखा कि 1 से लेकर 9 तक के डिजिट तो लिखे गए हैं सिंगल डिजिट, उसके बाद अभी तक कितना टर्म्स लिखा गया है वो आप देख लो, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, मतलब 12 तक आपने लिखा तो एक्चुअली में आपने 15 डिजिट लिखे हैं। तो डॉट 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 कितने नंबर तक लिखेंगे कि 28,383rd वाला टर्म आप लिख पाए, ये है क्वेश्चन। तो इसका आंसर पता करने के पहले कुछ बेसिक पॉइंट इसमें और है जिनके बारे में आपको समझना है। जैसे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि फ्रॉम 5 to 9 हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 5 to 9 एग्जिस्ट, कितने काउंटिंग नंबर है 5 से लेकर 9 तक, ठीक है। तो फ्रॉम 5 to 9 लिखने का मतलब होता है कि 5 को भी आपको काउंट करना है और 9 को भी काउंट करना है, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, आप हाथ पर काउंट कर सकते हो 5 6 7 8 9, कुल मिला के 5 नंबर्स आपको दिख रहे हैं, 5 डिजिट आपको दिख रहे हैं। लेकिन अगर इसे कोई गलती से इस तरीके से निकाले 9 माइनस 5 तो ये तो 4 ही आएगा। हमेशा याद रखना कि कभी भी फ्रॉम दिस
टू दिस अगर आपको काउंटिंग करने हैं तो टोटल कितने नंबर्स होंगे ये पता करने का तरीका है, लास्ट में से फर्स्ट वाले को माइनस कर देना होता है और प्लस वन एड कर देना होता है। जैसे आपके सामने टू डिजिट के नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, टू डिजिट के सारे नंबर जो हैं वो यहां से स्टार्ट होते हैं 10 से और कहां पर एंड होते हैं 99 पर। तो आप देख पाएंगे कि 10 से स्टार्ट होकर 99 पर एंड होने वाले सारे टू डिजिट नंबर एक्चुअली में कितने नंबर्स हैं, तो वो पता करने का क्या तरीका है, लास्ट में से फर्स्ट को माइनस कर देना होता है और प्लस वन एड करना होता है। तो 99 माइनस 10 और प्लस में 1, तो ये नंबर आपको कितना दिख रहा होगा 90। इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि दुनिया में टोटल 92 डिजिट के नंबर हैं। तो टोटल डिजिट कितना यूज होता होगा इस सारे टू डिजिट को लिखने में, हर नंबर को लिखने में दो डिजिट, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना होता होगा 90 × 2 मतलब कि 180 डिजिट। और आपको कितने डिजिट लिखने हैं 28,383, तो मतलब सारे दो डिजिट नंबर तो आप 100% लिख डालोगे। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 9 तक आपने 9 सिंगल डिजिट के नंबर लिखे थे और 10 के बाद आप 99 तक जब लिखेंगे तो आप 180 डिजिट और लिख डालेंगे। तो अभी तक तो 189 ही हुआ ना, तो इसी अप्रोच के साथ आपको आगे बढ़ना है कि ये जो 28,383 टर्म है वो वाला टर्म एक्चुअली में 4 डिजिट वाला नंबर से बनता होगा या 5 डिजिट वाले नंबर से बनता होगा या 3 ही डिजिट के नंबर से बनकर खत्म हो जाता होगा। तो ये पता करने के लिए आपको सीक्वेंस में ऐड करना पड़ेगा कि आपने कितने डिजिट को लिख डाला है एक्चुअली में, और उसके लिए इस तरह के काउंटिंग्स की जरूरत पड़ेगी। और फास्ट कैलकुलेशन के लिए आप इसे याद ही रखिए कि दो डिजिट के दुनिया में कितने नंबर होते हैं, 90 नंबर होते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह अगर मैं यहां पे बात करूं कि 100 से लेकर 999 तक कितने नंबर थे, मतलब सारे के सारे आपको 3 डिजिट के नंबर दिख रहे हैं, यहां से 3 डिजिट का नंबर स्टार्ट होता है और यहां पर 3 डिजिट का नंबर एंड होता है, तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट कितने होते हैं। आप क्या करोगे, यहां से इनको लास्ट में से फर्स्ट को माइनस कर देना होता है और प्लस 1, तो ये नंबर आपको कितना दिख रहा होगा 900। कुल मिलाकर 900 नंबर ऐसे हैं जो सबके सब 3 डिजिट के होते होंगे। तो 900 नंबर 3 डिजिट के हैं, इसका क्या मतलब है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना यूज होता होगा इस सारे 3 डिजिट को लिखने में, एक 3 डिजिट वाले नंबर में टोटल 3 डिजिट होते हैं और 900 ऐसे ऐसे 900 नंबर्स आप लिखोगे तो टोटल कितने डिजिट यूज हो गए, 3 × 900 मतलब कि 2700। आपने 10,000 का आंकड़ा तो अभी भी पार नहीं किया है, तो यानी यहां तक पहुंचने के लिए हमें 4 डिजिट वाले नंबर्स पे तो पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 डिजिट के नंबर दुनिया में होते कितने हैं ये अगर आपको पता करना हो तो फिर से वही बात, 1000 से 9999 तक कितने नंबर होते हैं पहले वो काउंट कर लीजिए। तो ये नंबर आपको दिख रहा होगा कि ये टोटल एक्चुअली में लास्ट माइनस फर्स्ट और प्लस वन, इनको जब आपने सॉल्व किया तो ये नंबर आपको दिख रहा होगा 9000 और हर एक नंबर 4 डिजिट का नंबर है। तो कितने डिजिट यूज हो सकते हैं ये अगर आपको निकालना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक नंबर 4 डिजिट का और वैसे वैसे टोटल 9000, तो ये 36000 हो गया ना। तो ये 36000 आने का क्या मतलब है, ये डायरेक्ट आपको इस बात का संकेत दे रहा है कि आपको लिखना है 2028383 वाला टर्म। मतलब आप जो ये काउंटिंग करोगे ना, ये काउंटिंग आप 4 डिजिट से एक्सीड तो बिल्कुल नहीं करोगे, तो इसी रेंज में तो आपको ये वाला टर्म्स मिल जाएगा। मतलब 5 डिजिट वाले नंबर पे आपको जाना ही नहीं है, आपका आंसर इसके अंदर ही कहीं होता होगा। अब वो कैसे पता करेंगे वो प्रोसेस देख लो। तो एक्सप्लेनेशन में सबसे फर्स्ट लाइन क्या लिखा है वो देख लो, देयर आर 9 सिंगल डिजिट नंबर यूजिंग 9 डिजिट। ये तो आपको दिख रहा होगा कि 9 यहां तक जितने नंबर लिखे गए हैं 9 तक जब आपने लिखा तो आपने सिर्फ सिंगल डिजिट वाले नंबर्स का यूज किया था। इसका मतलब आपने इतने 28,383 टर्म का 9 टर्म लिख डाला, 9 डिजिट का यूज आपने कर दिया। इसके बाद किसकी बारी आएगी, 10 से आप 99 तक सारे डिजिट को पहचानते हो, सारे के सारे 2 डिजिट वाले नंबर होते हैं। तो देयर आर कितने डबल डिजिट वाले नंबर होते हैं ये तो आपको कंफर्म हो गया होगा, देयर आर टोटल 92 डिजिट नंबर यूजिंग 90 × 2 = 180 डिजिट। 2 डिजिट के दुनिया में कितने नंबर होते हैं, 90 नंबर होते हैं, मतलब 99 तक लिखते समय आपको कुल मिलाकर 180 डिजिट और यूज
करने पड़ेंगे। तो अभी तक आपने 9 डिजिट यूज किया है, अभी तक आपको 180 डिजिट आपने और यूज कर डाला, तो टोटल मिलाकर 189 ही डिजिट आपने यूज किया है। और आपने लिखा कहां तक है, 99 तक। इसका मतलब फिर से बोल दे रहा हूं, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, आपने अगर लास्ट वाला नंबर 99 लिख डाला तो एक्चुअली में आपने कितने डिजिट यूज कर डाले हैं, 180 प्लस में 9 मतलब 189। कंफर्म है? सिमिलरली थर्ड लाइन में क्या लिखा हुआ है देख लो, देयर आर 903 डिजिट नंबर। अब दो डिजिट के बाद किसकी बारी आएगी, सारे नंबर जो होंगे 100 से स्टार्ट होंगे, मतलब 3 डिजिट के लिखेंगे, तो 3 डिजिट के कितने नंबर आप जानते हो, आप टोटल 903 डिजिट नंबर होते हैं, ये आपने पढ़ा है। तो 903 डिजिट वाले नंबर को अगर आपने यूज किया तो 3 × 900 मतलब 2700 डिजिट और यूज करेंगे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हर नंबर इस 900 में से हर एक नंबर 3-3 डिजिट वाला होता होगा, तो अभी तक आपने 2700 डिजिट और यूज कर दिए। ठीक है, तो अभी तक टोटल आपको इतना प्लस इतना प्लस इतना इतने डिजिट यूज करते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ के बाद आपको सिर्फ इतना सोचना है कि अब इसके बाद 4 डिजिट वाले नंबर्स की बारी आएगी, तो 4 डिजिट के टोटल नंबर होते कितने हैं, 9000, ये आपने पढ़ लिया है। तो 9000 4 डिजिट के नंबर्स हैं, तो टोटल डिजिट कितना यूज करना पड़ेगा, 9000 × 4 मीन्स 36000, 36000 डिजिट आपको और लिखने पड़ेंगे। अगर आपने यहाँ तक लिख डाला तो, ये काउंटिंग करते समय अगर आपने यहाँ तक लिख डाला तो टोटल 36000 डिजिट तो आपको यहीं पे दिख जाएंगे। 1000 से 9999 तक लिखने के क्रम में ही आपको 36000 डिजिट यूज हो जाएंगे, और इसके पहले भी आपने टोटल मिलाकर 2889 डिजिट ऑलरेडी यूज कर लिए हैं। तो इतना तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि 5 डिजिट वाले नंबर पे पहुंचने की कोई जरूरत नहीं है, इन्हीं के पहले कोई ना कोई आंसर होता होगा। क्यों, क्योंकि इसके पहले तक ही आपको रेंज में पहुंचना है। कंफर्म है? तो इसके पहले अगर वो नंबर होता होगा तो यहाँ पर आपको स्टॉप हो जाना है, टोटल नंबर्स ऐड करने हैं, और बच गए कितने डिजिट उसके बारे में सोचना है, और फिर प्रोसीजर को आगे बढ़ाना है। कंफर्म है? यहाँ तक जो मैंने लिखा है, यहाँ तक मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर 1 2 3 4 डॉट 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 आपने 3 डिजिट के सारे नंबर अगर लिख डाले, मतलब आपने कहाँ तक लिख दिया, 999, ये नंबर तक आपने जैसे ही लिखा आप टोटल 2889 डिजिट ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो यहाँ तक एक्चुअली में हुआ क्या है कि 1 2 3 4 5 ये काउंटिंग करते करते जैसे ही आपने 999 तक लिखा आप 2889 डिजिट को यूज कर चुके हैं। इतने डिजिट तक पहुंचना था आपको और उसमें से 2889 डिजिट आपने यूज कर लिया, तो रिमेनिंग डिजिट कितने बच गए हैं, 28383 में से आप जितने डिजिट यूज कर लिए हो उसको माइनस कर दो, तो 2889 आपने माइनस किया तो ये नंबर आपको दिख रहा होगा 4 9 4 2 5 4 9 4। तो ये है रिमेनिंग डिजिट, और इतने डिजिट और लिखने हैं आपको, ये आपने क्या निकाला है, रिमेनिंग डिजिट। तो रिमेनिंग डिजिट मतलब 25494 डिजिट और बच गए हैं लिखने के लिए, मींस वी हैव टू राइट नेक्स्ट 24494 डिजिट, दैट इज वी हैव टू राइट 25494 मोर डिजिट। तो इतना तो आपको कंफर्म हो गया है कि ये सारे डिजिट जो हैं ये 4 डिजिट के नंबर से बनने वाले हैं। क्यों, क्योंकि ये सारे नंबर 999 के बाद से लिखे जाने हैं। ठीक है, तो सारे नंबर चूंकि 4-4 डिजिट के हैं तो सबसे पहले तो इनको स्प्लिट करना होता है। स्प्लिट कैसे करना है, इस तरीके से कि लास्ट के कुछ डिजिट बच जाएं और शुरू के जितने भी डिजिट हैं वो 4 से कट जाएं। जैसे अगर मैं एक बात कहूं कि इसके बाद अगर आपको 10 डिजिट और लिखने, तो 10 डिजिट का क्या मतलब है, आप कौन कौन सा नंबर लिखोगे, उनके बाद आपका नंबर आएगा 1000, और इसके बाद कौन सा नंबर आएगा 1001, और उसके बाद कौन सा नंबर आता होगा 1002। लेकिन मैंने क्या बोला, उसके बाद आपको 10 और डिजिट लिखने हैं, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मतलब आपको यहां तक जाना पड़ता, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं थी। तो 10 डिजिट और लिखना था तो इसको इजीली आसानी से समझने का क्या तरीका है, आप इसको दो भाग में स्प्लिट कर दो। पहला भाग जो इसके जस्ट पहले 4 से पूरा पूरा कट जाता होगा, तो वो मुझे दिख रहा है कि 8 वो नंबर है जो 4 से पूरा कट जा रहा है, और बच गया लास्ट का 2। ये लास्ट का 2 कौन होगा वो हम लोग जज कर लेंगे अगर हम इस 8वें वाले डिजिट पर पहुंच गए। अब यहाँ पर हमने 4 से कटने वाला नंबर इसलिए लिखा है, क्यों, क्योंकि सारे नंबर जो है ना वो 4-4 डिजिट के होते होंगे।
ठीक है, तो चार से पूरा पूरा कट जाए, आसानी से कट जाए, और कहां तक लिखना है ये हमें पता चल जाए। इसलिए हमने इसको ऐसा स्प्लिट किया कि चार से कटने वाला नंबर शुरू में आ जाए और बाकी बचा हुआ लास्ट में लिखा जाए, मतलब रिमाइंडर लास्ट में लिखे जाए। तो ठीक उसी तरह आपको इस नंबर को भी स्प्लिट करना है। तो ऐसे नंबर में स्प्लिट करना है कि इसके जस्ट पहले चार से कटने वाला कौन सा नंबर है और बाकी बचे हुए डिजिट आप आसानी से लिख लेंगे। तो आप जब देख पाओगे इस नंबर को तो चार का डिविजिबिलिटी रूल आपको अच्छे से पता होगा। लास्ट का दो डिजिट अगर चार से कट जाता है तो पूरा नंबर चार से कट जाता है। तो 94 तो चार से नहीं कटता, लेकिन 94 के जस्ट पहले 92 चार से कटता है। मतलब साफ है कि 24,492 एक पार्ट होगा, ये चार के पेयर में आने वाले हैं, तो चार से डिवाइड करके आप पता कर सकते हो कि कैवे नंबर तक आपको पहुंचना है। और बच गया कौन सा, लास्ट में दो डिजिट और हम लोग लिख डालेंगे। अब ये दो डिजिट कौन होगा ये डिसाइड करेगा ये वाला, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैंने यहाँ पर किया क्या है वो फिर से सुन लो। इतने और डिजिट लिखने थे, और इतना तो आपको पता है सारे नंबर्स जो लिखे जाने हैं वो चार चार डिजिट के लिखे जाएंगे। तो मैंने इसको दो भाग में स्प्लिट कर दिया इस तरीके से कि पहला बड़ा वाला भाग चार से कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो हमें पता चल जाए कि हमें वो किस नंबर तक लिखना है और कितने नंबर लिखने हैं 999 के बाद, और लास्ट का जो दो डिजिट है वो तो इस वाले नंबर के बाद पहुंच ही जाएंगे। तो आप मुझे बताओ इतने डिजिट लिखने थे, इतना डिजिट लिखने के लिए आपको कितने नंबर्स तक लिखना पड़ेगा, कितने नंबर और लिखने पड़ेंगे। तो ये सारा नंबर जो है चार चार डिजिट का है ना, तो इसे आप चार से डिवाइड करके पता कर लो कि कितने डिजिट और लिखने हैं। इसके पहले जो मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया था इसमें मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि अगर आपको उस नंबर के बाद 10 डिजिट और लिखने हैं, ठीक है, तो आपको इसको दो भाग में स्प्लिट करना होता है 8 और प्लस 2। तो जो पहला जो 8 आपने स्प्लिट किया है यहाँ से आप पता कर सकते हो कि आपको वो जो आखिरी वाला नंबर होगा वो कितना होगा। कैसे पता करोगे, 8 डिजिट लिखने हैं और सारे डिजिट होते हैं चार चार के, ठीक है, सारे नंबर जो होते हैं वो चार चार डिजिट के होते हैं। तो इनको आपने चार से डिवाइड किया 2 आया, इसका मतलब आपको दो नंबर और लिखना है। तो 999 के बाद दो नंबर और लिखने का मतलब आप 1000 लिखोगे, चार डिजिट कंप्लीट हो गया। 1001 लिखोगे, चार डिजिट और कंप्लीट हो गया, मतलब 8 डिजिट। और इसके बाद 1002 में आप अपना मनचाहा काउंटिंग कर लो, 8 के बाद 9वां डिजिट, 10वां डिजिट, 11वां और 12वां कोई भी आप लिख सकते हो। लेकिन आप डिवाइड करोगे ना इस वाले नंबर को चार से, ये पता करने के लिए कि आपको पहुंचना कहां तक है। तो कहां तक पहुंचना है इसका सीधा सीधा जवाब यह है कि यहां पर जो नंबर आया उसको आपने चार से डिवाइड कर दिया, दो आया, और 999 में इस दो को अगर आपने ऐड किया, 999 में अगर आपने दो को ऐड किया तो आपको ये पता चल जाएगा ना कि आपको पहुंचना कहां तक है। वो देख लीजिए आप, आठवें डिजिट को लिखते लिखते कहां तक पहुंच जाएंगे, 1001 तक। तो लास्ट डिजिट तो आपको मिल गया ना इस वाले प्रोसेस से, ठीक वही काम हम लोग वहां करने वाले हैं। क्योंकि वो बड़ा रिजल्ट है तो उसको समझने के लिए आप छोटे वाले रिजल्ट पर फोकस कीजिए। तो जो मैंने यहाँ पर किया था वही काम हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। इतने सारे डिजिट लिखने हैं और सारे नंबर जो हैं वो चार चार डिजिट के हैं। तो सबसे पहले तो आप इनको चार से डिवाइड कर दो, 25492 को अगर आपने 4 से डिवाइड किया तो ये नंबर आपको दिख रहा होगा 6373। ये नंबर चार से कंप्लीट तो कट जाएगा, ये आप भी समझ पा रहे हो। क्यों? क्योंकि ये नंबर को आपने लिखा ही था उस नीड को पूरा करने के लिए कि चार से पूरा कट जाए, ताकि हम पता कर पाएंगे 999 के बाद और कितने नंबर लिखने हैं, और 6373 नंबर्स आपको और लिखने हैं, तब जाकर आप इतने डिजिट लिख पाओगे। तो वो नंबर, लास्ट वाला नंबर कौन सा होगा, इस नंबर में आप 999 ऐड कर दो, क्योंकि सारे जो नंबर हैं वो 999 के बाद से ही लिखे जाएंगे ना। तो जब आपने ऐड किया तो ये नंबर आपको दिख रहा होगा 7372। तो यहाँ जो आपने प्लस 999 ऐड किया है इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इतने डिजिट लिखने के लिए आपने चार से डिवाइड किया, क्योंकि हर नंबर चार चार डिजिट का होता होगा। तो वो कितना आया 6373, और 6373 नंबर्स आपको और लिखने हैं कहां के बाद, 999 के बाद। तो हमने क्या किया, इसमें 999 ऐड कर दिया, तो हमें ये पता चल गया कि 7372 नंबर्स तक आपको लिखना पड़ेगा, तब जाकर आप इतने डिजिट और इसके पहले जो ये सारे डिजिट थे इतने डिजिट आप कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन दो डिजिट और लिखना है। तो अब सारी स्टोरी इस तरह से है कि आपने जब 1 2 3 ...... 7372 नंबर्स तक लिखा, 7372 नंबर्स तक लिखा, तो जितना रिक्वायर्ड डिजिट आपको लिखना था उससे आप दो डिजिट दूर हो,
ठीक है। मैंने यहाँ 1 से इसलिए लिखा है क्यों, क्योंकि टोटल आपको लिखने थे 28,383rd, तो आप 2,889 तो ऑलरेडी लिख चुके थे जब तक आपने 999 तक नंबर्स लिखा था। उसके बाद टोटल आपको और कितने नंबर्स लिखने पड़ते हैं, 6,373, तो 999 के बाद इतने नंबर्स और लिखने का मतलब है 7372 तक आपने लिखा, तो अभी भी आप दो डिजिट दूर हो। तो दो डिजिट दूर हो तो आप इसके बाद तो काउंटिंग कर ही सकते हैं। ये है आखिरी फोर डिजिट नंबर, ठीक है। तो आखिरी फोर डिजिट में दो नंबर और लिखना है, तो आप पहले पूरा नंबर तो लिख लो 7373, इसके बाद सक्सेसर तो यही है ना 7373, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ दो ही डिजिट का नीड था, तो आप लास्ट का दो डिजिट पुट कर दो, लिख दो, और ये जो सबसे लास्ट वाला डिजिट है यही आपका रिक्वायर्ड डिजिट है, रिक्वायर्ड टर्न है, जिसके बारे में पूछा गया था 2838rd टर्न ऑफ गिवेन सीरीज। तो दिस इज योर आंसर, कंफर्म है।